Hello everyone, welcome to eLearner, myself Sakshi Gautam. In the continuation of last video, now I am going to discuss about some more types of vaccine with examples. सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीन बेस्ड ऑन SARS-CoV-2 proteins. मीन्स जो वैक्सीन्स कोरोना वायरस के proteins को यूज़ करके बनाई जा रही हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे. द स्पाइक प्रोटीन डेट प्रोट्रूड आउटसाइड द विरियन प्ले एन एसेंशियल रोल इन द डॉकिंग ऑफ द SARS-CoV-2 टू ह्यूमन सेल्स. मीन्स जो कोरोना वायरस का एस प्रोटीन है, उसकी हेल्प से जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन सेल्स में ACE2 रिसेप्टर के थ्रू एंटर होता है. देयरफॉर द स्पाइक प्रोटीन और इट्स फ्रैगमेंट्स आर द टारगेट्स ऑफ ऑल दिस वैक्सीन. इवन इफ इन अ फ्यू केसेस अदर SARS-CoV-2 लाइक न्यूक्लियो प्रोटीन आर ऑल्सो टारगेटेड. इसीलिए ही स्पाइक प्रोटीन को वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए टारगेट किया जा रहा है और कुछ कुछ केसेस में इसके दूसरे प्रोटीन से लाइक न्यूक्लियो प्रोटीन उनको भी टारगेट किया जा रहा है. जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक प्रोटीन्स कैरिड बाई नैनो पार्टिकल्स नोवावैक्स US एंड वैक्सीन नेम इस NVX-CoV-2373. तो एक जो नोवावैक्स बायोटेक कंपनी है ये US में है और ये कोशिश कर रही है वैक्सीन बनाने का जिसका नेम है NVX-CoV-2373. इसका जो हम डिटेल मैकेनिज्म है वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे. सेकेंड वैक्सीन है ओरल COVID-19 टैबलेट वैक्सीन कैंडिडेट कंटेनिंग स्पाइक प्रोटीन फ्रेगमेंट्स और इसका नाम है VX-CoV-2-1 और ये जो बायोटेक कंपनी बना रही है उसका नाम है वैक्सेट और ये US में है. ये एक टैबलेट के फॉर्म में एक वैक्सीन कैंडिडेट है. लास्ट है टोबैको प्लांट प्रोड्यूस प्रोटीन इन वायरस लाइक पार्टिकल्स मेडिकैगो प्लस GSK एडजुवेंट और यह है US में. ये जो कंपनी है यह है मेडिकैगो और इसमें जो एडजुवेंट यूज है वो GSK एडजुवेंट यूज़ हो रहा है और ये एक प्लांट ड्राइव्ड वैक्सीन है और इसका नेम है COVLP मीन्स वायरस लाइक पार्टिकल्स. अब हम नोवावैक्स का डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं कि नोवावैक्स ने जो वैक्सीन बनाई है वो कैसे वर्क करती है और कैसे डेवलप की गई है. द SARS-CoV-2 वायरस यूजेज स्पाइक प्रोटीन टू एंटर ह्यूमन सेल्स. दिस सो कॉल्ड स्पाइक प्रोटीन यूजेज एज अ टारगेट फॉर पोटेंशियल वैक्सीन. ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि SARS-CoV-2 एंट्री के लिए अपना एस प्रोटीन का यूज़ करता है, इसलिए इस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट किया जा रहा है पोटेंशियल वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए. दे इंसर्टेड द मॉडिफाइड स्पाइक जीन इन टू अ डिफरेंट वायरस कॉल्ड बेक्यूलो वायरस एंड अलाउ इट टू इन्फेक्ट मॉथ सेल्स. इसमें क्या करते हैं, जो स्पाइक जीन है उसको इंसर्ट कर दिया, ये है बेक्यूलो वायरस. इसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें हमने स्पाइक जीन को इंसर्ट किया, उसके बाद बेक्यूलो वायरस को अलाउ किया कि वो इन्फेक्ट कर दे मॉथ सेल्स को. द इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस स्पाइक प्रोटीन डेट स्पॉन्टेनियसली जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्पाइक एज दे डू ऑन द सर्फेस ऑफ कोरोना वायरस. फिर क्या हुआ, जब ये मॉथ सेल को इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्पाइक जीन का जो प्रोटीन है वो फॉर्म होगा, स्पाइक प्रोटीन फॉर्म होगा. तो न्यूक्लियस में DNA से mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एंड देन mRNA से ट्रांसलेशन होगा और स्पाइक प्रोटीन डेवलप होगा, स्पाइक प्रोटीन बनेगा. जब तीन स्पाइक प्रोटीन कंबाइन करके एक स्पाइक प्रोटीन को फॉर्म करेंगे. नाउ हार्वेस्टेड द स्पाइक प्रोटीन फ्रॉम द मॉथ सेल्स एंड असेंबल देम इनटू नैनो पार्टिकल्स. अब क्या गया, जो स्पाइक प्रोटीन मॉथ सेल्स में बनेंगे उनको हार्वेस्ट किया और उसको असेंबल कर दिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स. नैनो पार्टिकल्स मिमिक द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कोरोना वायरस. दे कुड नॉट रेप्लिकेट और कॉज COVID-19. जो नैनो पार्टिकल्स फॉर्म होंगे वो मिमिक करेंगे, मतलब जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस की उसकी तरह दिखेंगे, बट वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते. जब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते तो COVID-19 कॉज भी नहीं कर सकते. तो ये है नैनो पार्टिकल स्टड विथ स्पाइक्स. यह है स्पाइक प्रोटीन बट ये फॉर्म हुए नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में. ईच इंजेक्शन इंक्लूड मैनी स्पाइक नैनो पार्टिकल्स अलॉन्ग विद अ कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोप बार्क ट्री. तो ये है वैक्सीन के अंदर जो नैनो पार्टिकल इस फॉर्म में वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट होंगे.
वैक्सीन के अंदर नैनो पार्टिकल के साथ साथ एक कंपाउंड भी प्रेजेंट है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है सोक बाग ट्री से। द कंपाउंड अट्रैक्ट्स इम्यून सेल टू द साइट ऑफ द इंजेक्शन एंड कॉज देम टू रिस्पॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गली टू द नैनो पार्टिकल्स। जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसको इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि वो इम्यून सेल को अट्रैक्ट करता है जहाँ पर इंजेक्शन की साइट होती है वहाँ पर, और जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाए अगेंस्ट द नैनो पार्टिकल्स, अगेंस्ट मीन्स अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। इम्यून सेल्स कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एनकाउंटर द वैक्सीन नैनो पार्टिकल्स एंड टेक देम अप। अब जो इम्यून सेल्स होते हैं लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं APC, जो कि बेसिकली हमारे तीन होते हैं, बी सेल, डेंड्रेटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजिस, वो क्या करेंगे जो वैक्सीन के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनको एनकाउंटर करेंगे और उसको टेकअप कर लेंगे। देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टीयर्स स्पाइक प्रोटीन एंड डिस्प्ले सम ऑफ देयर फ्रेगमेंट्स ऑन इट्स सर्फेस। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो क्या करेंगे, स्पाइक प्रोटीन को फ्रेगमेंट कर देंगे, मतलब उसको तोड़ देंगे और अपने सरफेस पे उसको प्रेजेंट करेंगे। इस सो कॉल्ड हेल्पर टी सेल मे डिटेक्ट द फ्रेगमेंट्स एंड थस बिकम एक्टिवेटेड। अब क्या होगा, हेल्पर टी सेल क्या हो जाएगा, जब वो डिटेक्ट कर लेगा फ्रेगमेंट को ऑन द सर्फेस ऑफ APC, वो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ इट कैन रिक्रूट अदर इम्यून सेल टू रिस्पॉन्ड टू द वैक्सीन। और जब वो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा तो वो दूसरे इम्यून सेल को एक्टिवेट करेगा। इट एक्टिवेट द बी सेल, बी सेल प्रोलिफरेट्स एंड विल मेक द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। हेल्पर टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल प्रोलिफरेट करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। नाउ इफ वैक्सीनेटेड पीपल आर लेटर एक्सपोज टू द कोरोना वायरस, देयर एंटीबॉडीज कैन लॉक ऑन टू द स्पाइक प्रोटीन, द कोरोना वायरस कैन नॉट एंटर सेल एंड द इन्फेक्शन इज ब्लॉक। जब वैक्सीन लग जाएगी तो वैक्सीन लगने से ये वाला प्रोसेस सारा होगा। जब ये प्रोसेस होगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे। जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कभी भी फ्यूचर में जब कोरोना वायरस से एक्सपोज होंगे तो उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, कोरोना वायरस को सेल्स के अंदर एंटर नहीं होने देंगे, और सेल्स के अंदर एंटर नहीं होने देंगे तो इन्फेक्शन वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। नाउ दिस वैक्सीन कैन ऑल्सो ट्रिगर अनदर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बाई डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल्स। ये जो वैक्सीन है ये एक दूसरे टाइप का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, और ये क्या करती है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। वो कैसे डिस्ट्रॉय करती है हम देखते हैं। व्हेन अ कोरोना वायरस इन्वेड्स, इन्फेक्टेड सेल पुट फ्रेगमेंट्स ऑफ इट्स स्पाइक प्रोटीन ऑन देयर सर्फेस। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जब कोरोना वायरस एंटर होगा तो इम्यून सेल्स क्या करेंगे, लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे, उसको पहले फ्रेगमेंट करेंगे, उसको तोड़ देंगे, उसके बाद उसका कुछ पार्ट को सरफेस पर प्रेजेंट करेंगे। जब सरफेस पर प्रेजेंट करेंगे तो वो क्या करते हैं, एक इम्यून सेल का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं किलर टी सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको रिकग्नाइज कर लेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कि वो न्यू वायरसेस पार्टिकल्स को फॉर्म ना कर पाए। तो ये एक दूसरा तरीका है प्रोटेक्शन का, बाय डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल, मतलब इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करके एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। NVX-CoV-2373 कैन स्टेबल फॉर अप टू 3 months इन अ रेफ्रिजरेटर। तो एक ये की पॉइंट है कि ये जो वैक्सीन है ये 3 months तक स्टेबल रह सकती है फ्रिज में। अब हम देखेंगे नेक DNA बेस्ड वैक्सीन, मतलब जो DNA बेस्ड वैक्सीन होती हैं उनके बारे में। DNA बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक मैनिपुलेशन ऑफ द कोडेड एंटीजन। जो DNA बेस्ड वैक्सीन होती है हम उसमें इजीली जो एंटीजन है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो इनकी कॉस्ट होती है बनाने की वो भी काफ़ी कम होती है। थर्ड, रिड्यूस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनको स्टोर करने के लिए और इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो भी काफ़ी कम होता है। इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंटरडर्मल इंजेक्शन। इसको हम 3 टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंटरडर्मल। अब हम देखते हैं तीनों का मीनिंग क्या है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द फैट लेयर अंडरनीथ द स्किन।
सबकुटेनियस का मतलब होता है जो स्किन के नीचे फैट लेयर होती है वहाँ पर जब हम इंजेक्शन लगाते हैं उसे बोलते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर डिलीवर्ड इनटू द मसल, जब हम मसल्स में लगाते हैं वो होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एंड द लास्ट वन इज़ इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन आर डिलीवर्ड इनटू द डर्मिस और द स्किन लेयर अंडरनीथ द एपिडर्मिस विच इज़ द अपर स्किन लेयर। द डर्मिस इज ऑन मोस्ट प्लेसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर थिक। इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होते हैं उनको हम डर्मिस में लगाते हैं, मतलब जो एपिडर्मिस स्किन लेयर होती है उसमें नीचे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन हमें डर्मिस लेयर में लगाए जाते हैं और उसका जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कम फ्यू मिलीमीटर्स होती है। और जो एडवांटेजेस हैं इसके, ग्रेट पोटेंशियल फॉर स्पीड, इसको बनाने में इसका जो स्पीड है बनाने के वो भी काफ़ी ज़्यादा है और ये स्टेबल है और इसको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज अमाउंट्स में। डीएनए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर मिनिमल बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए हमें बहुत कम बायोसेफ्टी चाहिए होती है, इसकी वजह से इसको हम BSL-1 में भी बना सकते हैं। Rapidly modify the vaccine in couple of weeks in case of mutation in the virus. अगर वायरस म्यूटेट हो रहा है और हमें वैक्सीन को मॉडिफाई करना है तो वो भी हम कुछ वीक्स में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं DNA बेस्ड वैक्सीन्स के। बट देर आर नो DNA वैक्सीन रजिस्टर्ड फॉर ह्यूमन यूज इन केस ऑफ कोरोना वायरस, तो मतलब अभी कोई भी DNA वैक्सीन रजिस्टर नहीं हुई है ह्यूमन यूज़ के लिए इन द केस ऑफ कोरोना वायरस। 6 DNA वैक्सीन्स आर एंटरिंग ह्यूमन ट्रायल्स विच कोड द स्पाइक प्रोटीन और इट्स फ्रैगमेंट, तो 6 DNA वैक्सीन्स हैं जिसपे जो ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर हो चुकी हैं, स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड करती हैं या फिर उसके फ्रैगमेंट्स के लिए कोड करती हैं। इसमें भी दो टाइप हैं, नेक DNA प्लाज्मिड एंड सेकेंड इज नेक DNA प्लाज्मिड प्लस इलेक्ट्रोपोरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं नेक DNA प्लाज्मिड। नेक DNA प्लाज्मिड का अंदर नेक DNA मीन्स खाली DNA, उसके साथ कोई प्रोटीन एसोसिएट नहीं है, कोई लिपिड एसोसिएट नहीं है, वो खाली एक सिंगल मॉलिक्यूल है DNA का, उसके साथ किसी टाइप का कोई मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। और नेक DNA प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में इंसर्ट करके उसको वैक्सीन के फॉर्म में वैक्सीनेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अहमदाबाद बेस्ड जेडुस कैडिला इंडिया डेवलपिंग अ वैक्सीन कॉल्ड ZY-CoV-D। तो एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जेडस कैडिला जो कि इंडिया में है, वो एक वैक्सीन डेवलप कर रही है DNA बेस्ड वैक्सीन जिसका नाम है ZY-CoV-D। सेकेंड एग्जाम्पल है एनजेस जापान बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी AG-0301। तो एनजेस एक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी एक नेक DNA प्लाज्मिड वाली टाइप में DNA बेस्ड वैक्सीन डेवलप कर रही है जिसका नाम है AG-0301। लास्ट इज टेकिस डिजाइन COVID-19 वैक्सीन नेम्ड एज COVID-EVAX एंड डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद रोटाफार्म बायोटेक इन इटली। तो टेकिस जो है ये भी एक COVID-19 वैक्सीन को डिज़ाइन कर रही है जिसका नाम है COVID-EVAX और इसको डेवलप कर रहे हैं इन कोलेबोरेशन विथ रोटाफार्म बायोटेक कंपनी जो कि इटली में है। अब दूसरा है नेक DNA प्लाज्मिड प्लस इलेक्ट्रोपोरेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वैक्सीन लगाई जाती है। इसका हम अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे, उसमें सही से समझ आएगा कि इसका मैकेनिज़म क्या है इस वाले वैक्सीन्स का। इसके एग्जाम्पल्स हैं इनोविया फार्मास्यूटिकल्स जो कि US में है, ये जो वैक्सीन बना रही है उसका नाम है INO-4800। दूसरा एग्जाम्पल है जेनेक्सिन, ये जो बायोटेक कंपनी है ये कोरिया में है और ये जो वैक्सीन डेवलप कर रही है उसका नाम है GX-19N। एंड लास्ट वन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन में है इन कोलेबोरेशन विद इनोवियो इटली और ये जो वैक्सीन बना रही है इसका नाम है DRAP-S। जो अब हम भी डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे जिस वैक्सीन का, वो है इनोवियो फार्मास्यूटिकल बेस्ड वैक्सीन जो कि है INO-4800।
जो अभी मैं पीछे बता रही थी इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में, तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन का मीन्स यहाँ पे है कि जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो यहाँ पे ये इस डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेलेक्ट्रा, और ये इलेक्ट्रोपोरेशन के जैसे बिहेव करते हैं, मतलब कि इसमें ये जो डिवाइस है ये एक तरह का इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है टू ओपन स्मॉल पोर्स इन द सेल, जिससे कि जो प्लाज्मिड है वो एंटर कर जाए। तो एक डिवाइस होती है, इसकी हेल्प से वैक्सीन लगाई जाती है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या है और कैसे वर्क करती है। सेलेक्ट्रा 3 PSP इज डिज़ाइन टू डिलीवर INO-4800 डायरेक्टली इन टू द स्किन वेयर द वैक्सीन प्रॉम्प्ट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू ड्राइव अ रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेलेक्ट्रा 3 PSP की वजह से वैक्सीनेशन इसका यूज़ करके वैक्सीनेशन करते हैं, जिससे कि ये जो वैक्सीन है INO-4800 वो डायरेक्टली डिलीवर हो जाए इन द स्किन और वहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सेलेक्टर डिवाइसेस यूजेस अ ब्रीफ इलेक्ट्रिकल पल्स टू रिवर्सिबली ओपन स्मॉल पोर्स इन द सेल टू अलाउ द प्लाज्मिड टू एंटर, ओवरकमिंग अ की लिमिटेशन ऑफ अदर DNA एंड अदर न्यूक्लिक एसिड अप्रोचेस सच एस mRNA। तो ये सेलेक्ट्रा क्या करती है, ये जो डिवाइस है ये एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करती है, जिससे कि जो सेल्स के सेल्स को ओपन करती है, स्मॉल पोर जनरेट करके सेल को ओपन करती है, जिसकी वजह से प्लाज्मिड जो है वो एंटर हो जाता है, और जो कि एक लिमिटेशन है दूसरे न्यूक्लिक एसिड अप्रोचेस का, जैसे कि mRNA बेस्ड वैक्सीन्स का। सैप डिवाइस सिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड यूजेज एन ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल स्क्रैच टू फैसिलिट द डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन। मीन्स इसको स्किन के सरफेस पे रखते हैं, बिल्कुल स्क्रैच पता भी नहीं चलता और वैक्सीन लग जाती है। दिस सेलेक्ट्रा 3 PSP इज अ स्मॉल पोर्टेबल हैंड हेल्ड यूजर फ्रेंडली डिवाइस डेट रन्स ऑन AA बैटरी। ये जो सेलेक्ट्रा है ये स्मॉल टाइप का डिवाइस है, पोर्टेबल है, इजिली हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, हैंड हेल्ड है इसलिए हैंडल कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो इसको हम इजिली यूज़ कर सकते हैं। द कंपनीज इंट्राडर्मल इलेक्ट्रोपोरेशन डिवाइस पेनिट्रेट टू नो मोर देन 3 mm कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर डिवाइस डेट को डीपर। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन डिवाइस है ये एक इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, और ये 3 mm से ज़्यादा डीप में नहीं एंटर होती है, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए हमें ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है। अब हम देखेंगे इनोविया COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट INO-4800 का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। ये हमारा वायरस और यह इसके जीन्स, हमने क्या प्लाज्मिड में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कराया, सेलेक्टर की हेल्प से वैक्सीनेशन हुआ। जब वैक्सीनेशन होगा तो ये प्लाज्मिड जो है सेल्स में जाएंगे, मतलब ट्रांसफेक्ट हो जाएंगे सेल्स, और जब ये ट्रांसफेक्ट होंगे सेल्स तो हमारा जो ये जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक्सप्रेस होगा, मतलब हमारा एंटीजन एक्सप्रेस होगा। जब ये एक्सप्रेस होगा तो इम्यून सेल्स आएंगे, जब इम्यून सेल्स आएंगे वो एक्टिवेट होंगे, जब वो एक्टिवेट होंगे तो जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं लाइक बी सेल्स, मैक्रोफाजेस, डेंड्रेटिक सेल, वो क्या करेंगे, वो जो हमारा एंटीजन है उसको ब्रेक कर देंगे और अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेंगे। जब वो अपने सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब अपने सरफेस पे इसको प्रेजेंट करेंगे तो हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। हेल्पर टी सेल खुद एक्टिवेट होने के बाद दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं लाइक बी सेल जो कि प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज, और किलर टी सेल जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। तो एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी, और जब फ्यूचर में कभी भी इस वायरस से एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडीज जो फॉर्म है ऑलरेडी बॉडी में ये बाइंड करेंगी और वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहीं के वहीं ब्लॉक हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इनोविया COVID-19 वैक्सीन वर्क इनसाइड अवर बॉडी। सम की पॉइंट्स, INO-4800 इज द ओनली न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन डेट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन अ ईयर। तो एक अकेली ऐसी वैक्सीन है जो कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है, वो एक साल से ज़्यादा के टाइम के लिए भी स्टेबल रह सकती है 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर मोर देन अ मंथ। एक मंथ से ज़्यादा वो 37 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल रह सकती है। हैज़ अ 5-year प्रोजेक्टिव सेल्फ लाइफ एट नॉर्मल रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, और 5 ईयर की इसकी सेल्फ लाइफ है नॉर्मल
फ्रिज के टेम्परेचर पे एंड डज नॉट नीड टू बी फ्रोजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। इसको हमें फ्रोजन नहीं करना पड़ेगा इस ट्रांसपोर्ट के टाइम पर स्टोरेज के लिए। ऑल ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वैन प्रिपेयरिंग फॉर मास इम्यूनाइजेशन। ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये जब हमें मास इम्यूनाइजेशन करना है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में वैक्सीनेट करना है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल रह सकती है और हमें इसके स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए किसी भी टाइप का कुछ कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस वैक्सीन। इन द स्टडी क्लिनिकल सैंपल्स वर कलेक्टेड एट वेरिंग टाइम पॉइंट्स पोस्ट इम्यूनाइजेशन फ्रॉम सब्जेक्ट्स इन इनोवियो फेस वन यूएस बेस्ड INO-4800 क्लिनिकल ट्रायल। तो क्या क्या है, एक स्टडी हुई है, उसमें क्या करा है, बहुत सारे टाइम पॉइंट्स पे पोस्ट इम्यूनाइजेशन के बाद जो है क्लिनिकल सैंपल्स को कलेक्ट किया है। एंटीबॉडीज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी वर मेजर्ड अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन वेरियंट्स टेस्टेड इंक्लूडिंग B.1.1.7 UK वेरियंट, B.1.351 साउथ अफ्रीकन वेरियंट एंड P.1.1 ब्राजीलियन वेरियंट। द स्टडी शोड द टी सेल रिस्पॉन्स इंड्यूस बाई INO-4800 वैक्सीनेशन वर फुल्ली मेंटेन्ड अगेंस्ट द UK साउथ अफ्रीकन एंड ब्राजीलियन वेरियंट्स वेन कंपेयर टू द टी सेल रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन। तो जब एक स्टडी में यह बताया गया, जब इसकी स्टडी हुई इस वैक्सीन की, तो ये उतनी ही इफेक्टिव है दूसरे वेरियंट के लिए भी जितनी ये इफेक्टिव है ओरिजिनल कोरोना वायरस के स्ट्रेन के लिए। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वैक्सीन है DNA बेस्ड वैक्सीन है, ये काफ़ी इफेक्टिव है ओरिजिनल स्ट्रेन के लिए भी एज वेल एज जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनके लिए भी। दीज आर द रेफरेंसेस फॉर द आर्टिकल्स और द रिसर्च पेपर फ्रॉम विच आई हैव टेकन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।